जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है जुलाई माह का प्रथम दिवस, 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार, और कौन हुनर करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे, जिसको खेल के आप 500 पॉइंट जीत सकते हैं। और ये 24 घंटे तक क्विज लाइव रहता है। कल 2 जुलाई 2023 दिन रविवार को 9:59 दिन में 10 बजने से 1 मिनट पहले तक आप कभी भी खेल सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, और इमेजेस जो हैं आंसर की वो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो रहता है, जिससे आपकी जीके और बढ़ सके और आप अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। KBC भी आने वाला है, तो जिनके पास अभी कॉल नहीं आए निराश ना हो, अभी भी चांस है इसमें, और KBC में आपके पास बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो अब जो है आंसर्स की तरफ चलते हैं। मानव कान की ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, यानी कि ऑडियो सुनने की जो एक क्षमता होती है वो कितनी है? तो वो सी है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है ध्वनि की रेंज वो हर्ट्ज में मापी जाती है, इसलिए हर्ट्ज। दूसरा प्रश्न है आज का, 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, या पहली महिला कौन बनी? तो ये जुमको तवेई जी हैं। ऑप्शन ए कहाँ की हैं, ये जापान की हैं, या जापान की थी, अब नहीं है ये। 2016 में 20 अक्टूबर 2016 को 77 वर्ष की आयु में जापान में ही इनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो थी ही, इसके साथ ही 7 समिट्स पर चढ़ने वाली भी पहली महिला ये हैं, वो बनी है ये 1992 में। ये बनी थी 1975 में, वो बनी थी 1992 में, 1992। ये माउंटेनियर होने के साथ में ऑथर और टीचर भी थी, और शी वाज द फर्स्ट वूमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड ऑल्सो द फर्स्ट एंड द फर्स्ट वूमेन टू असेंड द 7 समिट्स क्लाइंबिंग द हाइएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सी प्रमुख पैमाने में कितने टन होते हैं? तो ये 7 होते हैं, ऑप्शन डी। यहाँ पर बात करेंगे ये सी क्या है। तो म्यूज़िक, आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, जो पहले हम छोटे पे पियानो बजाते थे, उसमें लाइनें सीधी होती थी, उस पर म्यूज़िक के सिंबल बने होते थे, तो 7 सुर आपने सुना होगा, तो ये वही समझ लीजिए 7 सुर। तो इसको सी की कुंजी भी बोलते हैं, जिसमें 7 नोट होते हैं, सी डी ई एफ जी और फिर ए बी, 7 हो गए, सी डी ई एफ जी ए बी। इससे जो है धुन चलाने के लिए इन नोटों को मिलाया जाता है, और ये होते हैं सी मेजर स्केल, टोटल 7s। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, ये पूछ रहे हैं द वेल्थ ऑफ द नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एडम स्मिथ ने लिखी है। हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रों का धन या राष्ट्र का धन, राष्ट्रों ही बोलेंगे, नेशंस है इसलिए। और ये मतलब किस बारे में है, तो ये किसी राष्ट्र में संपन्नता और समृद्धि किस तरीके से आती है, यानी कि ये हुआ वेल्थ एंड प्रॉस्पर्टी और ग्रोथ। और ये जो बुक है 1776 में 1776 में पब्लिश हुई थी। बात करेंगे आज के 5वें अंतिम प्रश्न की, जो कि है सर्वजोत सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? ये काफ़ी छोटे हैं, शायद 20 वर्ष की इनकी आयु है, पंजाब के हैं, किसान के बेटे हैं, और इन्होंने जो है शूटिंग विश्व कप हुआ था उसमें एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था, और इसके साथ ही पिस्टल में ही वरुण तोमर भी हैं, उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जो होता है, और इन्होंने गोल्ड मेडल।
ये जो बात है ये 2021 की है, और इन्होंने जो है अजरबैजान के रुसलान लुनेव को 16-0 से हराया था, अजरबैजान के रुसलान लुनेव को। अब तो ये लगभग 23-24 वर्ष के हैं, उस समय की बात है जो मैंने आपको इनकी आयु बताई। शूटिंग की जो होती है वो फेडरेशन, वो ISSF होती है, मींस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो उसमें ये आती है शूटिंग, ISSF। तो ये थी बात आज 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार के, कौन ना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज के बाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपके जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी। बाकी तैयारी करते रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में, आपका दिन और जीवन शुभ हो।